नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऊपर लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हतिया पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। बिना परमिशन के ठेका शराब की 360 बोतल बरामद की, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। हतिया पुलिस की टीम ने रात देर को गांव सुकून ढाणी लंबा के पास में एक टाटा मैजिक से 360 बोतल शराब बिना परमिट के ले जाते हुए बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने टाटा मैजिक के साथ साथ एक चालक को भी गिरफ्तार किया है। बिना परमिट शराब पकड़ने की छापामारी कार्रवाई के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल तरसेम की अहम भूमिका रही, जबकि उनके साथ भूपेंद्र सिंह व रमेश कुमार भी टीम में शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतिया पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति टाटा गाड़ी के अंदर बिना परमिट की सैकड़ों बोतल शराब लेकर के लंबा गांव की तरफ जा रहा है। सूचना मिलने के बाद में हेड कांस्टेबल तरसेम सिंह, भूपेंद्र सिंह व रमेश कुमार ने स्कूल ढाणी लांबा के पास में बस स्टैंड के पास नाकाबंदी कर दी, जहां इस दौरान रात को चिंपो की तरफ से उन्हें एक टाटा गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस की टीम को देखकर चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। कुछ दूर जाकर के गाड़ी बंद हो गई। टीम को देखकर चालक भागने लगा, जिस पर टीम को लोगों को शक हो गया और शक के आधार पर चालक को काबू कर लिया और गाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें बिना परमिट के ठेका शराब देसी 360 बोतल बरामद हुई। गाड़ी चालक की पहचान बल्लभगढ़ निवासी सतनाम सिंह के तौर पर पुलिस ने सतनाम सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर और गाड़ी को भी अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं रतिया पलपल से राजेंद्र मित्तल की ये खास रिपोर्ट। हाँ जी सर, ये शराब आपने कहाँ से पकड़ी है? ये ऐसा सर, मैं और मेरे साथ पार्टी थी, पुलिस पार्टी स्कूल डाणी लांबा के पास नाकाबंदी कर रखी थी, तो एक टाटा स्पेसियो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का इशारा किया तो वो मौका से भगा देगा और थोड़ी दूर जाके हमने उसको पकड़ लिया और उसको चेक किया गाड़ी को, तो उसके अंदर लगभग 30 शराब थी। सर ये इसमें आपने क्या कार्रवाई की? अब इसका ऐसा जी 30-50 का जो कलंदरा है, कानूनी कार्रवाई एक्साइज एक्ट के तहत उसके जो इसके खिलाफ है वो हमने कार्रवाई करी है और आइंदा जो डीटेल साहब फतेहबाद के साहब समक्ष पेश की है। सर आपने कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है? इसमें ऐसा जी एक ही था, ये बंदा जो ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी के अंदर एक ही था। क्या नाम है उसका? इसका नाम है सतनाम सिंह। निवासी कहाँ का है? ये अभी बादलगढ़ का।